सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के पेपर के ऊपर, यानी कि राजनीति शास्त्र के पेपर के ऊपर, कि भाई किस टाइप के जो है आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आपका जो सैंपल पेपर है उसका पैटर्न मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि जितने भी पेपर आपके पहले हुए हैं उनका भी मैंने आपको पैटर्न समझाया है, ठीक है। तो आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप्स बताने वाला हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। यानी कि मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस टॉपिक से आ सकते हैं, पढ़ने का काम आपका है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए गाइस, बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ जाइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित को भी छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपको इकोनॉमी का देखने को मिल सकता है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो टॉपिक है उससे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दो नंबर का, ठीक है, हो सकता है तीन का भी मिल जाए। तो ये जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था, इसके बारे में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पंजाब समझौता कब हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि आपके यहाँ पर सिलेबस के अंदर इस टाइप के, और जैसे कि कोई समझौता हुआ, ठीक है, या फिर हम बात करें कोई यहाँ पर सम्मेलन हो, कोई मीटिंग हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, ठीक है। थर्ड है, शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है, यानी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। तो ऐसे ही क्या आपका वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके सिलेबस के अंदर इस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, उन टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। गिव एनी, क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ रहा हूँ मैं, इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ते हैं, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए दो सुझाव दीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पूछा है, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, ये जो टॉपिक है इससे भी एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, चीन की नई अर्थव्यवस्था की कोई दो उपलब्धियां लिखिए, ठीक है, दो कमियां भी पूछी जा सकती हैं। यानी कि क्वेश्चन सेम टू सेम रखेंगे, थोड़ा सा बदल देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है उपलब्धियाँ पूछी हैं, यानी कि अच्छी बातें पूछी हैं, तो दो कमियाँ भी पूछी जा सकती हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको पढ़ना है, ताकि कैसे भी क्वेश्चन पेपर में आए आप लोग कर दो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, आंतरिक आपातकाल की घोषणा के कोई तीन परिणाम लिखिए। यानी कि आपको किसके बारे में पढ़ना है, क्या कीवर्ड आपने पकड़ा कि भाई आपातकाल जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कोई तीन मुख्य कारण लिखिए, यानी कि सोवियत संघ का जो टॉपिक है उसके बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको ध्यान रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सार्क के मुख्य उद्देश्य क्या है, अब आपसे सार्क के जो हैं कंट्रीज पूछी जा सकते हैं कि भाई कौन कौन से देश सार्क के अंदर हैं, ठीक है, समझ गए। इसकी यहाँ पर स्थापना कब हुई इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके मुख्य काम क्या हैं, ठीक है, इसकी कमियाँ, इसकी उपलब्धियाँ, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। राइट एनी थ्री फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यहाँ पर जो है तीन शक्तियाँ या फिर तीन कार्य पूछे गए हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, संयुक्त राष्ट्र संघ से। कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन का, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये जो है इसके बारे में आप लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके बाद हम आगे बात करें गाइज, हिंदी में पढ़ते हैं, राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए, ठीक है, डिस्कस द मेन एलिमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो राष्ट्र निर्माण के बारे में यानी कि नेशनल बिल्डिंग के बारे में आपको जो है ये पूरा का पूरा पढ़ना है, अलग अलग तरह से क्वेश्चंस जो है बना बना के पढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है राष्ट्र निर्माण के बारे में, ठीक है, कि भाई राष्ट्र निर्माण क्या है, कैसे क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर जो है भारत विभाजन के समय उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है आपको पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत विभाजन के बारे में सारे के सारे जो चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अंदर हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, 12 क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि एक क्वेश्चन आपका विकास से, ठीक है, विकास, समझ गए, डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, विकास का जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है, विकास।
आगे देखिए, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो है विदेश नीति से आ सकता है। तो विदेश नीति के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस के अंदर, जो भी आपके टीचर्स ने लिखवाए हैं या कोई गाइड है उसके अंदर, वो सारे के सारे पढ़ लीजिए, ठीक है, विदेश नीति। इसके बाद यहाँ पर भारतीय राजनीति पर सांप्रदायिकता के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है, सांप्रदायिकता के बारे में, ठीक है, यानी कि भारत की जो राजनीति है उसके अंदर सांप्रदायिकता के प्रभाव का वर्णन करवाया है, ठीक है, इसके यहाँ पर क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यानी कि कीवर्ड पकड़ लीजिए कि भाई भारत की जो यहाँ पर राजनीति है उसके ऊपर सांप्रदायिकता के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है गुट निरपेक्षता के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, टॉपिक्स को देख लो भाई, किस किस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा टॉपिक जो है टच किया गया है, उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। सो गाइज़, ये थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।